हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अनार के सेवन के बारे में। देखो, अगर आप पहली बार गर्भवती हुई हैं तो आप भी ये सोचती होंगी कि हमें अनार किस महीने खाना है, किस महीने नहीं खाना चाहिए, इसके अलावा अनार खाने से क्या फ़ायदा मिलता है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला सवाल कि क्या प्रेगनेंसी में अनार खाना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल, आप पूरी प्रेगनेंसी अनार खा सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कम खाइए, लेकिन बाद में आप अनार भी खा सकते हैं, अनार का जूस भी पी सकते हैं। लास्ट की प्रेगनेंसी में, मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, आपको रोजाना एक गिलास अनार का जूस पीना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पता ही होगा कि अनार में बहुत ही अधिक मात्रा में आपको आयरन मिल जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसे आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाती है, आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी है, बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको एक गिलास जूस पीना चाहिए, और आप चाहें तो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी से ही रोजाना अनार खा सकती हैं। आधी कटोरी, एक कटोरी, एक अनार आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कुछ लोगों को अनार खाने से एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ लोगों को अनार झिलता नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। नहीं समझ आता है तो मैं डॉक्टर से इस बारे में बात करें, लेकिन आप पूरी प्रेगनेंसी आराम से अनार खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो जी, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अनार खाते हैं या फिर अनार का जूस पीते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिल जाता है? तो देखो जी, अनार में ना बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि देखो, इसमें आपको फोलिक एसिड मिल जाता है, बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं, खनिज तत्व मिल जाता है, इसमें आपको बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण मिल जाते हैं, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनार के जूस में आपको एंटी इंफ्लामेटरी गुण मिल जाते हैं, जो कि शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर भ्रूण के विकास में आपकी मदद करते हैं। और इसमें आपको पोटेशियम भी मिल जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पैरों में ऐंठन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको रोकने में आपकी मदद कर सकता है। बाकी चलिए और फायदे जान लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ना प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की समस्या हो जाती है, तो अगर आप अनार का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आपको जो बार बार उल्टी होती है, उल्टी करने का मन करता है ना, उसको ठीक करने में आपकी हेल्प हो सकती है। तो आप इस वजह से अनार खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके असर को भी कम करने के लिए आप अनार खा सकती हैं। इसके अलावा अनार आपके बच्चे के हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें होता है फोलेट, जो कि आपके बच्चे के हार्ट को अच्छा कर देता है, तो आप इसलिए भी अनार खा सकते हैं। इसके अलावा अनार आपके बच्चे के मस्तिष्क की रक्षा के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके बच्चे को ब्रेन से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने का काम कर सकता है। इसके अलावा यह बच्चे की हड्डियों की घनत्व में सुधार करता है। अनार का सेवन करने से आपको कैल्शियम अधिक मात्रा में मिल जाती है, जिससे कि आपके बच्चे को और आपको दोनों को ही फायदा मिलता है, आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। और देखो जी, क्या होता है कि इसमें होता है फोलेट। फोलेट का सेवन करने से क्या होता है कि इससे आपके बच्चे को रीढ़ की हड्डी और जो दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम होती है ना, जिसे कि बोला जाता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या, वो भी नहीं होती है। तो इस वजह से भी आप अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार आपके इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अनार आपके शरीर में खून को साफ करता है, और शरीर में अगर आपको बैक्टीरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दूर करता है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आप बहुत जल्दी बीमारी की चपेट में नहीं आते हैं। इसके अलावा देखो, अनार का सेवन करने से ना आपको और भी कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को ना समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा रहता है, तो उसकी जटिलता को भी कम करता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को ना स्ट्रेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो स्ट्रेस को कम करने में भी अनार आपकी हेल्प करता है। बाकी देखिए, अनार से आपको बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन मिल जाती है। आयरन के कारण आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि खून की कमी की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो अनार खाने से आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं अच्छी मात्रा में बनती हैं, जिससे कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपको डिलीवरी के दौरान भी परेशानी नहीं होती है। मतलब ये है कि आपके शरीर में खून की मात्रा सही बनी रहती है, तो आप इस वजह से भी अनार खा सकती हैं। बाकी देखिए, अनार में बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होता है, जो कि आपके बच्चे के गर्भनाल को सुरक्षित रखता है और उसको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि
गर्भनाल गर्भ में आपके बच्चे को जो भी जरूरी पोषक तत्व होता है वो पहुंचाने का काम करता है। तो गर्भनाल का सुरक्षित होना, स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। तो गर्भनाल के हेल्थ के लिए भी आप अनार का सेवन कर सकते हैं। बाकी गर्भनाल अच्छा काम करेगा तो आपके बच्चे का विकास भी अच्छा होगा, यानी कि आपके बच्चे का वजन भी अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। तो इस वजह से भी आप अनार खा सकती हैं। बाकी देखिए, अब सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी में अनार आपको कब खाना चाहिए। तो अनार आप पूरी प्रेगनेंसी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ही अधिक मात्रा में स्टार्टिंग में मत खाइए, और बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना। एक गिलास से ज़्यादा जूस आपको नहीं पीना है, और आप कोशिश करें कि सुबह सुबह या फिर आप नाश्ते में अनार का सेवन करें। बाकी देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अगर वो ठंडी तासीर वाली चीज़ें खा लेते हैं ना, तो उनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कम खाइए, या फिर डॉक्टर से पूछ लीजिए, या फिर आप एक काम करें कि आप दोपहर के समय खाइए। रात के समय आपको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में करने से आपको इससे परेशानी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रेगनेंसी में अनार खाने के फायदे। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।